दोस्तों ये है फिलिप्स का HL1655 हैंड ब्लेंडर और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ पूरी तरह से टेस्टिंग करूंगा इसी हैंड ब्लेंडर की। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये फैसला लेने में आसानी होगी कि ये ब्लेंडर खरीदने लायक है भी या नहीं। अनबॉक्सिंग से पहले दोस्तों आपको थोड़े बॉक्स कंटेंट बता देता हूँ और यहाँ पे लिखा है ब्लेंड मोर ब्लेंड इजी 20 मिनट्स ब्लेंडिंग और साथ में एक कंडीशन भी है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वैसे आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फिलिप्स कंपनी है नेदरलैंड की है, मगर ये जो है बहुत ही अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में बनाया हुआ है, मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे जो पैकेजिंग है दोस्तों काफी कमाल की है, सारी जो एक्सेसरीज है उनको अच्छे से पैक किया गया है इसी ब्लेंडर के अंदर और इसके साथ साथ क्या क्या मिल जाता है वो तो मैं आपको बताता हूँ इसको खोलते खोलते। साथ में हमें मिल जाता है ये एक यूजर मैनुअल जो कि काफी ज्यादा काम की चीज है अगर कोई पढ़ता है इसे तो फिर, और यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्लेंडर और अंदर अभी देखते हैं पहले और एक्सेसरीज को। तो ये जो स्टैंड मिलता है इसके साथ में दोस्तों काफी ज्यादा कमाल का, इसके साथ स्क्रू वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको और स्टैंड की क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पे जो प्लास्टिक की मटेरियल यूज किया गया है काफी बढ़िया लगा मुझे तो। और यहाँ पे आप लोग जो है ये जो हमें ब्लेड्स मिलती है दो एक्स्ट्रा, इनका क्या यूज है कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ब्लेड्स को इसमें आप ऐसे रख सकते हो स्टैंड के अंदर और ब्लेड्स वगैरह को रिमूव करना हो या लगाना हो उसके लिए हमें एक टूल भी मिलेगा। तो ब्लेड्स की क्वालिटी पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ब्लेड्स है दोनों, एक जो है पूरी फ्लैट है और एक के अंदर जो है थोड़े जो दिए गए हैं होल्स टाइप, और इनका क्या यूज है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और इसी से आप लोग ब्लेड को है रिमूव कर सकते हो लगा सकते हो और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है ऊपर और जो है इसकी केबल उस पर भी मेड इन इंडिया लिखा है जो कि अच्छी बात है, मगर एक जो बुरी बात है वो है इसकी जो केबल की लेंथ है सिर्फ 1 मीटर है जो कि थोड़ी सी गलत बात है। ये वाली जो है दोस्तों ये है इसकी मेन ब्लेड और इसको अभी हम लोग थोड़ा ऑन वगैरह करके देख लेते हैं, इसकी आवाज वगैरह चेक करते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा तक चला के देखा है और अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी हीटिंग के बारे में। तो जो ऊपर का मटेरियल है प्लास्टिक का वो जरा भी हीट नहीं हुआ है दोस्तों, मगर जो नीचे का जो हीट है वो यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील वाला है उसी पे हीट है सारी की सारी। तो ये काफी बढ़िया चीज है, जहां से आप इसको होल्ड करोगे वहां से जरा भी हीट नहीं होगी। और दोस्तों अभी इससे मैंगो जूस बना के देख लेते हैं फटाफट कितनी देर में बन जाता है और क्या क्या और भी टेस्टिंग करके देखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंगो जूस है जिसको आप लोग बनाओगे अगर या और भी किसी चीज को ब्लेंड करोगे तो इस तरह से एकदम स्टेबल ब्लेंडर है, जरा भी वाइब्रेट वगैरह नहीं होगा। और जो है इसकी साउंड है वो भी नॉर्मल है, ज्यादा तेज नहीं है एकदम ही जो कुछ ब्लेंडर्स में होती है बहुत ज्यादा तेज, और काफी कम दोस्तों वाइब्रेशंस भी है। एक हाथ से देखिए मैं कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ब्लेंड कर रहा हूं तो काफी आसानी से ब्लेंड वगैरह कर देगा ये। तो ब्लेड को लगाना और निकालना काफी आसान है, यहाँ पे इस टूल को लगाना है और ऐसे पकड़ के रखना है ब्लेड को और ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और ऐसे ब्लेड बाहर आ जाएगी कितनी आसानी से। और जो दूसरी ब्लेड है उसको भी आपको लगाना है, बस हुक के साथ इसको अलाइन करना है और बस हल्का सा प्रेस करना है दोस्तों और ब्लेड लग जाएगी। तो ये वाली जो ब्लेड है ये क्या काम की है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे इसका काम लिया जाएगा। दोस्तों जो कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं उसके लिए मिल्क जो है उसको फ्रोथ करना पड़ता है, और जो होती है क्रीम वगैरह उसके लिए भी जो क्रीम को व्हिपिंग वगैरह करते हैं बहुत लोग, तो उसमें भी ये काम आ सकती है ब्लेड कुछ इस तरह से जो होती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ किसी और की, जो कॉफ़ी वगैरह जिनको बनानी आती है उनकी वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे यूज़ किया जाता है ब्लेंडर को, तो क्योंकि मुझे तो ये सब बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्रीम है उसको भी आप लोग कर पाओगे ऐसी ब्लेड्स के मदद से, देखिए कुछ इस तरह से एकदम जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है चीज़ों का ऐसी ब्लेड से। तो ये जो है दूसरी वाली ब्लेड भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इस तरह से, जो फ्लैट वाली ब्लेड है वो भी काफी ज्यादा काम की है चीजों को मिक्स वगैरह करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से आप लोग लगा सकते हो। और दोस्तों एक और अच्छी बात है कि जो नीचे की रॉड है ब्लेंडर की पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की है, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ऐसे ही ब्लेंडर ले जिनमें ये जो रॉड है अटैच्ड हो, जरा भी जो अटैचमेंट्स वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ना निकले। जो ऐसे ब्लेंडर मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनमें प्लास्टिक का अलग से नीचे लग जाता है जिसमें वो बोलते हैं कि निकाल के आप इसको वॉश वगैरह कर सकते हो, मगर इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है प्लास्टिक जो खराब होने लगता है और ये जो आप देख सकते हो लूज़ वगैरह होने लगती है जो ब्लेड्स वगैरह होती है इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती है इसके अंदर, आप देख सकते हो कितना गंदा हो गया है अंदर से। और ऐसे ही जो ऊपर की साइड जो ब्लेंडर का होता है पोर्शन जहां पे ये हुक अटैच होता है वो भी काफी ज्यादा गंदा हो जाता है और उसके प्लास्टिक वगैरह जो है वो भी टूट जाते हैं। तो इस ब्लेंडर को देखिए 1 साल से कम हुआ है और इसकी ऐसी हालत हो चुकी है। तो हमेशा जो है स्टेनलेस स्टील के जो अटैच्ड रॉड वाले जो ब्लेंडर होते हैं उनको आप लोग यूज कीजिए दोस्तों।
और दोस्तों जो बॉक्स पे लिखा हुआ था 20 मिनट्स ब्लेंडिंग, तो वो जो फीचर है उसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ब्लेंडर के साथ 20 मिनट तक आप लोग इसको चलाओगे और कुछ नहीं होगा। तो उसका मतलब ऐसा है कि 1 मिनट तक आप लोग ब्लेंड कीजिए चीज़ को, फिर 1 मिनट का आप रेस्ट दीजिए, फिर से 1 मिनट तक ब्लेंड कीजिए, ऐसे ऐसे करके 10 बार हो गए 20 मिनट। तो ऐसा घुमा फिरा के इन लोगों ने लिखा है, फिलिप्स वालों ने। मगर जो है ब्लेंडर आराम से चल जाता है, 1-2 मिनट तो आराम से चल ही जाएगा, ज़्यादा हीट भी नहीं होगा। मगर हमें रेस्ट देना चाहिए ब्लेंडर को ऐसा वो जो लिखा हुआ है उस तरह से, क्योंकि जो है मोटर जो है थोड़ी गर्म हो जाती है। तो रेस्ट देने से क्या होता है दोस्तों, उसकी हेल्थ जो है अच्छी रहती है मोटर की। तो ब्लेंडर से आप आराम से जो मोस्ट ऑफ चीजें होती है वो 1-2 मिनट के अंदर ब्लेंड हो ही जाती है। किसी चीज के आपके पास बहुत सारे लॉट हो तो फिर ये जो 20 मिनट वाली चीज है वो काम आ भी सकती है। और दोस्तों इससे आप गर्म हो या ठंडी किसी भी चीज़ को आसानी से ब्लेंड कर सकते हो। इसकी प्राइस करीब 1600 के आसपास है और 2000 रुपये से कम की प्राइस में दोस्तों ये बेस्ट ब्लेंडर है क्वालिटी और फीचर्स के साथ साथ। और आप लोगों को अगर ये ब्लेंडर परचेज करना है तो इसकी बेस्ट लिंक जो अमेज़ॉन की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी को ये ब्लेंडर लेना उसके साथ। दोस्तों कमेंट करके बताइए कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली कमाल की वीडियो में।